शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी की अभी चला जाए यहाँ से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इस शादी में हम में से कोई झांकने के लिए भी नहीं आएगा। सुना नहीं वरुण ने क्या कहा? निकल जाओ मेरे घर से। अरे ससुर जी, इतना गुस्सा? ना ना ना, अपनी प्यारी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा आपने। अगर मेरी बहन को हाथ लगाने के बारे में सोचा भी ना, तो हाथ तोड़ दूंगा तेरा, समझा? वरुण जी छोड़िए उसे। देखो आना तो पड़ेगा ही आप सबको, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, फटाक से नीचे आ जाइए। बढ़िया, अब लग रहा है ना शादी वाला घर, जब पूरा हंसता खेलता परिवार एक साथ। चलिए रस्म शुरू करें। रागिनी को ये मेहंदी नहीं लग सकती। क्योंकि रागिनी को ये मेहंदी लगेगी जो खुद मैंने अपने हाथों से पीसी है। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं अभय, लेकिन कल आपकी नाराजगी के सारे जवाब मिल जाएंगे जब सच सबके सामने आ जाएगा। अरे बस मेहंदी लगाने से थोड़ी ना काम चलेगा, बिना नाच गाने का संगीत कैसा? और ये आपसे बेहतर कौन समझेगा श्रद्धा जी? बिल्कुल सही कहा तुमने कुणाल, अब धूमधाम वाली शादी का मतलब तो वही होता है ना, तो फिर चलाओगा ना? अभी चलाते।
मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ श्रद्धा, तुम्हारा ये सब कुछ नाटक है एक। मुझे अपना प्लान बताओ और उसमें शामिल करो। बताओ क्या हुआ है? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, रागिनी हमें यहाँ देख लेगी। रागिनी देखती है तो उसे देख लेने दो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तो मुझे बताओगी नहीं तुम। अरे छोड़िए मेरा हाथ, हाथ छोड़िए। क्या कर रहे हो? वो फोन पे बात कर रहा था, हो गई चले। क्या लगता है इस तरह यहाँ नाच कर तुम अपने आप को बहुत महान समझ रही हो? सब दिख रहा है मुझे श्रद्धा, जिस तरह तुम अभय के करीब जाने की कोशिश कर रही हो। मत भूलो कि वो मेरा होने वाला पति है। होने वाला पति है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ये मत भूलो कि अभय अभी भी मेरे पति हैं और मैं इस घर की बहू हूँ। शायद तुम भूल रही हो कि तुम दोनों ने खुद डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया है। डिवोर्स के पेपर्स पर साइन किया है लेकिन अदालत ने अभी तक डिवोर्स की मंजूरी नहीं दी है और उस हिसाब से अभी भी मैं ही अभय की पत्नी कहलाऊंगी। अच्छा तो तुम ये सब नाटक करी थी ना मेरे सामने बस मुझे चिढ़ाने के लिए? इतनी भी बुराई अपने मन में मत भरो रागिनी कि तुम्हें हर चीज में सिर्फ और सिर्फ नफरत ही नजर आए। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने खुद अपने हाथों अपने पति को तुम्हें सौंप दिया, वरना ये तुम्हें कभी भीख में भी नसीब नहीं होता। अपनी ये अकड़ ना तुम घर के बाहर ही रखो क्योंकि यहां पर ना किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। सब है अभी तुम्हें फैसला लेना ही होगा, या तो तुम्हें श्रद्धा चाहिए या मैं। किसे चुनोगे तुम? बोलो, जवाब दो। मुझे अपने आप को शांत रखना पड़ेगा जब तक रागिनी से घर के पेपर्स पे साइन ना ले लूं। वो कौन तुम? हमारी दीदू को घर से बाहर निकालने वाली। भूलो मत ये घर हमारी बहन का भी है और श्रद्धा हमारी बहू रहेगी, चाहे तुम अभय से शादी करो या ना करो। अभय पर तो जादू टोना कर उसे चुप करवा दिया है मगर हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना रागिनी। ये तो हमें शांति पसंद है इसलिए चुप है, वरना जरूरत पड़ने पर एक कंटाप लगाकर तुम्हें इस घर से बाहर फेंक देंगे। अच्छा ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है आपने। अपने परिवार को ना तुम अपने पास ही रखो,
लेकिन अभय सिर्फ मेरा है, समझी? खुद शादी कर लेंगे, हमारा प्यार ना हमारे लिए काफी है। निकल जाओ यहां से, तुम्हारी यहां किसी को कोई जरूरत नहीं है। अबे, तेरे सामने रागिनी ने धक्के मार के श्रद्धा को घर से बाहर निकाल दिया, उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर रही है और तू चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। तेरा दिल पत्थर हो गया क्या? तुम डरते होगे इस रागिनी से। हम नहीं, हम जा रहे, हम खुद ही अपनी बहन को वापस लेकर आएंगे। कीर्ति, श्रद्धा इस घर में नहीं आएगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। सुन लिया आप सबने, अभय मेरे साथ है। तो अब अगर आप में से किसी ने भी ना हमारी जिंदगी में दखल दी तो उसका भी अंजाम यही होगा। अब जाओ यहां से तुम सब, मेहंदी संगीत सब खत्म, कल हल्दी है और फिर शादी, जाओ उसकी तैयारी करो। कल जश्न की रात है और तुम्हें इस जश्न में शामिल होना है, तैयार रहना। जितनी खुशी तुम्हें इस शादी की है ना, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे है रागिनी, क्योंकि कल तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। चेहरा खराब कर दिया मेरा क्या ये? अरे भाई, मैं तेरी खुशियों में तेरा साथ दे रहा हूं, तेरी शादी है ना, तुझे दूल्हा बना रहा हूं, यही तो चाहता था ना तू। फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि श्रद्धा कैसी है, कहां है ना? तू भी मुझे ताने मारेगा, श्रद्धा की वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया, अपने तमाशे की मुझे वजह नहीं बता रही है और मैडम माइके में जाके आराम फरमा रही है। अरे तू ऐसा बोल भी कैसे सकता है? तुझे अंदाजा भी है कि श्रद्धा पे क्या बीत रही होगी, पर तू यहाँ अपनी शादी की तैयारी कर रहा है? शादी की तैयारी नहीं कर रहा, रागिनी को धक्के मार के इस घर से निकालने की तैयारी कर रहा हूं। ये देख, मंडप पर बैठने से पहले साइन करवा लूंगा उससे। अबे ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, अगर उसने साइन नहीं किया तो? नहीं, इस बार तो मैं उससे साइन करवा कर ही मानूंगा। हम तो लड़के वालों की तरफ से हल्दी का पानी लेकर आए थे, अब शादी में समय भी कम है और तुम्हें भी कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो हमने शॉर्टकट मार लिया। तुम्हें तो ना, मैं रिश्ते में ना हम तुम्हारी जेठानी और तुम हमारी देवरानी लगती हो, और देवरानी को ना जेठानी के सामने हमेशा नजरें झुकाकर बात करनी चाहिए, तो आइंदा ध्यान रहे। अब
अभी तो शुरुआत ही हुई है रागिनी, आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि मंडप का रास्ता ही भूल जाओगी। भूल गई हो सब, अपने ही पति की बलि चढ़वा रही हो उस रागिनी के हाथों। श्रद्धा, श्रद्धा कुछ ही घंटे बचे और तुम अपने मायके जाकर क्यों बैठ गई हो? अब कुछ नहीं हो सकता है बुआ जी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। कहाँ है हमारी वो श्रद्धा जो कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटती थी? कहाँ है हमारी वो श्रद्धा जिसके लिए चाहे जिंदगी छूट जाए, अगर रिश्तों को वो कभी नहीं छोड़ सकती। अब वो श्रद्धा भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो होना है वही होगा बुआ जी। और बेहतर यही है कि अब आप इस सच को मान लीजिए और अभय और रागिनी की शादी में शामिल हो जाइए। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। श्रद्धा, क्यों कर रही हो तुम ये? कम से कम अपनी माँ को तो बताओ। मम्मा, मम्मा। मम्मा, हम घर कब जाएंगे? मुझे पापा की बहुत याद आती है मम्मा। प्लीज मम्मा, थोड़े दिन के लिए घर चलो ना, प्लीज। अब क्या जवाब दोगी इन्हें, बताओ कैसे समझाओगी? श्रद्धा चुप क्यों हो, कुछ बोलो। मम्मी, मैं चाहकर भी आपको पूरी बात नहीं बता सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। और बच्चों, आप तो ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी घर वापस चलेंगे, और इस बार हमेशा के लिए। लेकिन अभी बस थोड़ा सा सब्र और। अच्छे से देख के मेकअप करना हमारे होने वाली बहुरानी का। हमारा मतलब है कि दुल्हन वाली चमक दिखनी चाहिए, ऐसी चमक जिसे देखकर पूरे मोहल्ले की आंखें ना बस फटी की फटी रह जाए। बड़ी जल्दी पार्टी बदल दी आपने, कल तक तो श्रद्धा के नारे लगा रही थी। जब श्रद्धा ने हार मान ली है तो हम क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी अच्छा हुआ ना पता चल गया कि वो सिर्फ बड़ बोली है, बोलती रहती है, बाकी उससे कुछ होगा नहीं। लेकिन तुम तो तेज तरार हो, सुंदर हो, और तुम्हें पता है हमें ना हमेशा से ऐसी ही बहू चाहिए थी। लगता है आप लोग पहली बार काम कर रहे। अरे दुल्हनिया का लहंगा आने से पहले आप मेकअप कैसे शुरू कर सकते हैं जी? हम दुल्हन का लहंगा लेकर आ गए। अरे वाह कीर्ति रानी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। रागिनी, अब तुम ना अपनी आंखें बंद करके आराम से इस कुर्सी पर पसर जाओ, क्योंकि जब तुम अपनी आंखें खोलोगी ना, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हमारा मतलब था कि तुम बहुत सुंदर दुल्हन जो बनने वाली हो। ये लीजिए, ये है लहंगा। इसके ना एक एक रंग को अच्छे से देखिए, क्योंकि यही रंग ना इनके चेहरे पे खिलने चाहिए। मेकअप दीदी को उनका काम करने देते हैं। अगर ऐसे हम यहाँ भिनभिनाते रहे तो इनका मेकअप खराब हो जाएगा। चले, मेकअप चढ़ेगा ही नहीं, होगा कैसे? मम्मी कहते ये चुड़ैल ऐसे चेहरे के साथ कैसे मंडप तक पहुँचती हो? मंडप तक बात नहीं पहुँचेगी पापा, थोड़ा तो भरोसा रखिए मुझ पे। उससे पहले ही रागिनी से साइन करवा लूंगा। अरे पर उस रागिनी का क्या भरोसा है? अगर वो कह देगी कि हमें मूड नहीं है साइन करने का, तो फिर तुम क्या करोगे? तब इसे मूड बनाना पड़ेगा ना मेरे लेने का, है ना? अबे कुछ भी मत बोल भाई,
शादी नहीं होगी, पर मुझे किसी भी हालत पे अपना मकसद पूरा करना ही है। ये आखिरी मौका है रागिनी से साइन करवाने का। तुम बताओ, अचानक क्यों बुलाया मुझे? कुछ पेपर्स भेज रहे हैं जिन पे तुम्हारे साइन चाहिए। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।